नमस्कार दोस्तों, मैं उपान झांगड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा मॉडल लेकर फिर से हम आज हाजिर हैं और इस मॉडल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, जिसमें कार पार्किंग और बेडरूम्स वगैरह सारा मैनेज किया है। बहुत ही कम स्पेस में 18x40 फिट में ये पूरा मॉडल आज हम डिफाइन करेंगे। एक मॉडर्न लुक आपको देने वाला है मॉडल और एक बेहतरीन सा ग्राउंड भी मिलेगा, ग्रीन एरिया भी मिलेगा, जिसे आप प्ले ग्राउंड भी बोल सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट अगर रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां से इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं या इस प्लान की आप पूरी डिटेल भी वहां से फेच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो, पूरा डिटेल जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे एक कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा प्लान आज का होने वाला है एक बेहतरीन सा मॉडल। कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं, एक नया और हट के आपको होने वाला है। यहाँ पर ग्लास का मैंने यूज किया है और यहाँ पर ये एक कॉर्नर का प्लान है, इस वजह से मैंने यहाँ पर दोस्तों विंडो वगैरह भी लगा रखी है। यहाँ पर भी रोड आपका होने वाला है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। काफ़ी खूबसूरत प्लान, कार पार्किंग का एरिया, ग्रीन एरिया वगैरह सारा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये सबसे पहले बात करें मैं इस प्लान को, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, मैक्सिमम जूम, जिससे आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम जूम किया है इस प्लान को। आप फ्रंट का एलिवेशन देख सकते हैं, साइड का भी देख सकते हैं और इधर का भी देख सकते हैं। आप पूरा प्लान ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं इसके एक फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले ये यहाँ मैंने स्लोप दिया है, जिससे आप डोर भी दिया है, जिसका जहाँ पर आप कार पार्किंग करेंगे, ये पूरा कार पार्किंग का एरिया। आगे आपको मैंने ग्रीन एरिया दिया है और इसके बाद ये बीम पड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग दी है आपका, एक अलग सा कलर कॉम्बिनेशन, उस पर विंडो और फ्रेम। साइड में भी आपको विंडो मिलता है बट यहाँ फ्रेम नहीं है। मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप बड़े से अपने डाइनिंग हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद आपको स्टेयर्स इधर से मिलती है, इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आ जाएंगे। ये आपकी स्टेयर्स हो गई, ये आपका डाइनिंग हॉल हो गया, इसे आंगन बोल सकते हैं। सबसे पीछे आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, इसके लिए अलग अलग डोर और एक में विंडो, और इस वाले पर मैंने साइड में विंडो दिया है। वहीं इधर आपकी किचन, जिसको मैंने वेंटिलेट किया है, साइड में एक विंडो देखे और फ्रंट में भी, बट इधर आपका एक लेट बाथ मैंने यहाँ पर और दिया है। ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों लेट बाथ आप स्टेयर्स के नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो सबसे पीछे दो बेडरूम्स, डाइनिंग हॉल, लेट बाथ, किचन और ये कार पार्किंग, ग्रीन एरिया और स्टेयर्स के साथ एक ग्राउंड फ्लोर आपका बनकर रेडी हो जाता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुँचते हैं तो ये देखिएगा मॉडल आपके सामने बनकर फिर से सिमिलर प्लान है, कोई भी चेंजमेंट मैंने नहीं किया है। वही दोनों बेडरूम, लेट बाथ, कार पार्किंग को मैंने यहाँ पर बालकनी में कन्वर्ट कर दिया है और ये यहाँ पर ग्रिल भी मैंने दिया है, जो कि ब्लैक कलर का बेहतरीन सा ग्रिल और ये कलर कॉम्बिनेशन साइड में, ये और मैंने डिटेल दी है आपको आपको डिजाइन के तौर पर, जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये फर्स्ट फ्लोर बनकर आपका रेडी होता है। अगर हम बात करें टॉप व्यू की तो आप ऊपर से ऐसा देख सकते हैं, मकान आपका ऐसा दिखेगा। फ्रंट से आपका ये, साइड से आपका ये मॉडल पूरा ओवरऑल दिखने वाला है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ और फ्रंट में थोड़ा हट के डिजाइन दिया है और ये आपको स्टेयर्स वाला पूरा पोर्शन मैंने ढक दिया है। इधर डोर दे दिया, इससे आप छत पर आ पाएंगे और पूरा ये मैंने छत से कवर किया है। साइड से आपको देखने में मॉडल ऐसा देखने वाला है। तो ये पूरा 18x40 फुट में मॉडल बना है। अगर आप इसका 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com जाकर विजिट करें और इसका डिटेल, 2D मीन इसका रूम का साइज क्या है, विंडो का साइज क्या है, डोर का साइज क्या है, आपका कार पार्किंग का साइज क्या है वगैरह, सारा डिटेल आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। तो वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग।